हरे कृष्ण। तो पिछले बार पिछले श्लोक में हमने देखा कि भगवान स्पष्ट ब्रह्मा जी से कह रहे हैं कि वह सब चीज के स्रोत हैं, वही सब कुछ हैं, आदि मध्य अंत वही हैं। इस बार आज भगवान ब्रह्मा जी से यह कह रहे हैं कि सारे दर्शनों का जो सार होता है वह सार मैं ही हूं, वह निष्कर्ष मैं हूं। किंतु यह निष्कर्ष सभी व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता। उसका कारण है लोगों की, इस जगत में लोगों की भ्रांत भ्रांत कल्पनाएं। हर व्यक्ति अपना एक स्वतंत्र निष्कर्ष रखना चाहता है। अपने दैनिक दिन जीवन के जो आवश्यकताएं होती हैं वह हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं। किसी को दो रोटी में ही पेट भर जाता है, किसी का चार पांच रोटी खाकर। किसी को गणित समझ में आ जाता है तो किसी को विज्ञान समझ में आता है। किसी को गुलाब पसंद है तो किसी को धतूरा। तो हर व्यक्ति के पसंद, हर व्यक्ति की कल्पना धारणा, उसके आवश्यकता से संबंधित है, उसकी अभिलाषाओं से संबंधित है। इसलिए सबका निष्कर्ष अलग होता है। जिस व्यक्ति के दो रोटी में ही पेट भर जाती है उसका निष्कर्ष होता है दो रोटी काफी है, एक उसके लिए कम है, तीन उसके लिए ज्यादा है। जिसको गुलाब पसंद है वह हमेशा गुलाब की खेती करेगा, उसका ही रोपण करेगा, अन्य चीजों में उसकी रुचि नहीं होती। किंतु हमारी अभिलाषाएं, हमारी भ्रांत भ्रांत अभिलाषाएं और हमारी विविधता के परे एक तत्व है जो सब चीज का मूल है, जो सब चीज का स्रोत है। यह एक कल्पना नहीं है बल्कि विवेकी पुरुष का निष्कर्ष है। जैसे अलग अलग प्रकार के पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन सभी को धरती का आधार आवश्यक है। भूमि से जो तत्व प्राप्त होते हैं वह आवश्यक है। इसको रसायन शास्त्र में कहा जाएगा नाइट्रोजन फास्फोरस। इन चीजों की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो गुलाब हो, चाहे कमल हो, चाहे धतूरा हो। अधिकांश जितने भी पुष्प लताएं वृक्ष होते हैं उनके पत्तियों को सूर्य प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, नहीं तो वो अपने लिए ऊर्जा उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो कोई ना कोई एक ऐसा तत्व होता है जो सभी के लिए समान है। अब सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, जो वैज्ञानिक होते हैं
वो अपने सीमित बुद्धि से निष्कर्ष लगाते हैं कि अलग अलग रसायनों के मिश्रण के कारण सूर्य का प्रकाश जो है वो उत्पन्न होता है। वो कहेंगे कि हीलियम जो तत्व है, गैस है, वो बार बार प्रज्वलित होता है सूर्य पर, उससे सूर्य प्रकाश प्राप्त होता है। सूर्य प्रकाश जब चंद्रमा से टकरा कर कुछ हद तक चंद्रमा उसे ग्रहण कर लेता है और बाकी उसको पुनः प्रकाशित करता है, तो प्रतिबिंब प्रकाश या रिफ्लेक्शन कहेंगे उसे। तो चंद्र पर कोई तत्व जो है, रसायन तत्व का मिश्रण नहीं हो रहा है, वो ज्वलंत नहीं है। सूर्य के प्रकाश को पुनः वो प्रदान कर रहा है, प्रकाशित कर रहा है। तो ये वैज्ञानिक। जो शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, तत्व शास्त्र हैं, जैसे श्रीमद् भागवतम, पुराण इत्यादि, वो समझाते हैं कि सूर्य चंद्र इत्यादि जो प्रकाश प्रदान कर रहे हैं, वो प्रकाश भगवान के ब्रह्म ज्योति से आता है। तो इसका अर्थ कैसे निकाला जाए, ये कैसे समझा जाए? बहुत आसान है। जैसे अगर कहीं खेत में आग लगाता है किसान, क्योंकि वो सब कुछ जलाकर राख करके, वो राख जब धरती में खाद बन जाता है तो धरती को पौष्टिक बनाता है, उसकी भूमि को पौष्टिक बनाता है, तो आग लगा दे। जब तक वहां पर सूखा घास है तब तक वहां पर आग लगी रहेगी, और जैसे ही सब कुछ सूखा, जितना भी वहां पर घास तत्व है, वो सब जल जाए तो अपने आप आग बुझ जाएगी। या अगर आप स्वयं एक यज्ञ करते हैं और उसमें आप लकड़ियां डालते हैं, चंदन की लकड़ियां इत्यादि, समिधा, तो जब तक आप उसमें रक्त डालते जाएंगे तब तक अग्नि वहां पर प्रज्वलित है यज्ञ कुंड में, और एक बार सब कुछ जल के राख हो गया तो अपने आप अग्नि बुझ जाएगी। तो दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है यहां पर। एक, कहीं ना कहीं से तो अग्नि प्रज्वलित होनी चाहिए, या तो आप किसी अन्य कुंड से, यज्ञ कुंड से ले आए अग्नि, या आप उसे वहां पर उत्पन्न करें, दो पत्थरों के टकराव से आप उत्पन्न करें, या माचिस से उत्पन्न करें। तो उसी प्रकार जब सृष्टि पुनः निर्माणाधीन होती है प्रलय पश्चात, तो यहां पर 24 तत्व होते हैं सब सुप्त अवस्था में, सबका विभाजन हो चुका है, सबका प्राकट्य हो चुका है, लेकिन सुप्त है। फिर भगवान की जो ब्रह्म ज्योति है, वो किरणें यहां पर आकर उसे प्रज्वलित करती है। अगर भगवान की किरणें, भगवान की ज्योति जो भगवान के अंग अंग कांति से उत्पन्न होती हैं, प्रकाशित होती हैं, वो ना आए तो कुछ भी प्रज्वलित नहीं होगा, यहाँ कोई कार्य संपन्न नहीं होगा, सब सुप्त ही रहेंगे। और एक बार वो प्रज्वलित हो गया, उसके बाद समय समय पर उसके तत्व जो हैं उस अग्नि में
जलते रहते हैं। तो से वैज्ञानिक कहते हैं कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, इसे वैज्ञानिक उसे कहते हैं स्वयं प्रकाश। और कहते हैं कहां है भगवान, कहां पर कोई ब्रह्म ज्योति है? ब्रह्म ज्योति का प्रभाव जब था उस समय हमारे पास, हमारी चेतना इतनी विकसित नहीं थी कि हम उसे देख पाए, और जिनकी चेतना विकसित थी उन्होंने प्रमाण दिया हुआ है शास्त्र में। तो अगर चेतना विकसित नहीं थी तो चेतना किस स्थिति में थी? सुप्त, सोई हुई चेतना थी। तो इसे कहते हैं अंधकार, अज्ञान। चेतना जब सुप्त रहती है तो हमें कुछ भी ज्ञात नहीं होता, हमें कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हम अज्ञानी हो जाते हैं। जैसे रात में जब सो जाते हैं तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता आसपास क्या चल रहा है। जीवित हैं लेकिन अंधकार में जीवन चल रहा है। तो अलग अलग प्रकार के प्रलय होते हैं, एक पूर्ण प्रलय होता है, अर्ध प्रलय होता है, और एक नियमित प्रलय, नियम से शरीर का जब अंत होता है तो वो भी प्रलय है। दिवस का अंत होता है तो उसे भी प्रलय का कहा गया, माना गया। तो हर प्रलय में व्यक्ति सुप्त अवस्था में चला जाता है। तो यहां पर आज भगवान समझा रहे हैं, इसलिए सब चीज का सार जो है, मूल जो है, वो मैं हूं। ये समझने वाले व्यक्ति जो हैं उनकी दृष्टि स्पष्ट होती है, इसलिए वो देख पाते हैं, समझ पाते हैं। उनके पास दृष्टि होती है। जैसे यहां पर शब्द लिखे हुए हैं लेकिन समय के प्रभाव से आंखों की क्षमता जो है वो थोड़ी कम हो जाती, कमजोर हो जाते हैं नेत्र, तो फिर चश्मे की सहायता से वही शब्द पढ़ता है व्यक्ति, ऐनक के सहाय से व्यक्ति शब्दों को पढ़ता है। तो शब्द हैं, नेत्र हैं, फिर भी अंधकार छाया हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो नेत्र होते हुए भी नेत्र सुप्त हैं, कुछ कीटाणु होते हैं, उन्हें देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, या आपको मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता पड़ती है, या आपको टेलीस्कोप की आवश्यकता पड़ती है, कुछ दूर दराज के जो ग्रह होते हैं उन्हें देखने के लिए। तो जितनी आपकी दृष्टि विकसित होगी अन्य यंत्रों के द्वारा या अन्य किसी पदार्थों के आधार पर, उतना ही स्पष्ट आपके या उतना ही ज्ञान आपको प्राप्त होता है, उतनी ही आपकी बुद्धि विकसित होती है। तो हमें अल्पज्ञानी नहीं बनना चाहिए, हमें मूर्ख नहीं बनना चाहिए, हमें और अपने ज्ञान को बढ़ाने का या उसको विकास, उसके विकास में रुचि रखनी चाहिए। कैसे और समझें, कैसे और जानें। और जितना हम इस जिज्ञासा को व्यक्त करेंगे उतने ही आनंद को प्राप्त करेंगे। उदाहरण के लिए जब आप कुछ नया व्यंजन खाते हो तो आपको आनंद आता है, ओ हमें तो पता ही नहीं था कि यह भी बन सकता है, इतना स्वादिष्ट। जब आप कहीं किसी नए दर्शनीय स्थल पर जाते हो तो आपको आनंद आता है, क्योंकि अब अच्छा औरंगाबाद के पास इतना सुंदर दर्शनीय स्थल है, हमें तो ज्ञात ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था,
अब हमने देख लिया, बड़ा आनंद आ रहा है। तो जितना हम अपने बुद्धि का विकास करेंगे उतने ही आनंद की अनुभूति होती है, और जितने ही हम आलसी होते जाएंगे उतना ही जीवन शुष्क होते जाता है, उतना ही व्यक्ति दुखी होता है, उतना ही व्यक्ति मायूस होता है, खिन्न होता है। जैसे कोई अपंग व्यक्ति है, अगर वो मन में दुख ले आए कि मैं अपंग हूं, बाकी लोग जो हैं उनके सारे अंग सशक्त हैं, तो दुखी हो सकता है, या वो विचार कर सकता है कि कहीं पर भी यातायात जहां पर भी हो वहां पर अपंगों के विशेष स्थान पर मुझे आराम से जगह मिल जाएगा, अपंग का सीट। तो या तो अपने पंगुता को वो दुखमय दृष्टि से देखे या उसमें अपना लाभ देखे। लाभ देखेगा तो विकास होगा उसका, कि हां सरकार ने सभी जगह पर अपंगों के लिए विशेष एक प्रयोजन किया हुआ है, विकास हो गया, देखिए निश्चिंत है मन। अगर आप आपके सारे अंग काम कर रहे हैं, आप किसी गाड़ी में जाएं और सारे सीट भरे हुए हैं तो आप किसी को बोल नहीं सकते उठो मेरी सीट है, लेकिन अपंग व्यक्ति की सीट पर कोई बैठा हुआ तो वो जाकर बोल सकता है उठो मेरी सीट है। तो सुख मिल रहा है देखो। हाँ अगर अपंगों का सीट अपंगों से ही भरा हुआ है तो उसे फिर सीट नहीं मिलेगा, लेकिन उस अवस्था में भी दूसरे लोग उठकर उसे सीट दे देते कि भाई तुम अपंग हो बैठो। तो या तो वो रोते रहे या आनंद करे। तो आनंद कब प्राप्त होता है? जब वो अपने लाभ को देखता है, वो अपने उसकी बुद्धि संकुचित न होते हुए उसकी बुद्धि जो है विकास की ओर बढ़ती है। तो जो अल्पज्ञ होते हैं, जिनकी जो अपनी बुद्धि को सीमित रखना चाहते हैं, और उनकी बुद्धि सीमित अलग अलग तत्वों से हो जाती है, सीमा, कुछ लोगों की सीमा होती कि बस हमें इंद्र तृप्ति करनी है, हमें और कुछ लेना देना नहीं है, भगवान नहीं, पुनर्जन्म नहीं, बस। ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत एवं जीवित सुखम जीवित। दूसरे लोग कष्ट करें उनसे तुम उधारी ले लो, आनंद में रहो, उसके बाद वो तुम्हारे घर के चक्कर लगाएंगे, उनको लगाने दो घर का चक्कर। मतलब कितना देखो लोग आपको मानते हैं, आपके घर तक लोग आ रहे हैं, प्रतिष्ठा की बात है ना, प्रतिष्ठित हो गया व्यक्ति कि चार लोगों से उधारी ले ली, अब रोज चार लोग घर के चक्कर लगा रहे हैं, पहले कोई नहीं पूछता था। अगर किसी से उधारी ना ले तो कोई पूछने ना है, लेकिन अब चार लोग और चार लोगों को बताते रहे काय तेने पैसे घेतले असून दिले नहीं। गलत ही, लेकिन ख्याति बढ़ रही है, बदनाम हो रहा है, लेकिन नाम तो हो रहा है ना। तो कुछ लोगों की सीमा उतनी होती है, कुछ लोगों की सीमा इतनी होती है कि जो हम समझते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है। तो अगर ये गुलाब है तो गुलाब है, अगर हमने कहा कमल है तो कमल है, नावत का है ना, नाम में क्या है, नाम में बहुत कुछ है। कमल को पंकज कहा जाता है, गुलाब को पंकज नहीं कहा जाता, नाम में बहुत कुछ होता है, पर नावत का है, गुलाब मटल तो गुलाब, पंकज मटल तुमसे नहीं, हमसे नहीं। पंकज का अर्थ होता है जो पंक में भी जन्म ले। लेकिन उनका उनकी समझ, उनकी सीमा इतनी होती है
जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं वही सही है, बाकी सब गलत है, बाकी किसी चीज का अस्तित्व नहीं है। मतलब तुमने माना तो सही, नहीं माना तो गलत। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, ऐसे व्यक्ति सामने से गाड़ी आ रही रेलगाड़ी, बोलेंगे माना तो रेलगाड़ी, नहीं माना तो कोई रेलगाड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता रेलगाड़ी है। ये सब जो है ना, ऐसे ही किसी ने ऐसी कहानी बना दी कि सामने से रेलगाड़ी आ रही है, कोई रेल पटरी नहीं, ये कोई रेलगाड़ी नहीं। तो कुछ लोगों की सीमा उतनी होती है, तो कुछ हैं जो सिर्फ आहार निद्रा भय मैथुन इसमें ही संतुष्ट रहना चाहते हैं, कुछ अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं। तो बुद्धिमान अर्थात वो कवि होते हैं, कविता करते हैं, विश्लेषण करते हैं, लेकिन जो दिखता है, जो हम सोचते हैं, उतने हद तक ही सत्य है, उसके परे सब असत्य। कुछ लोगों की सीमा होती है कि ठीक है, उसके परे एक अस्तित्व है जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं समझ रहा है। आज इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास यंत्रणा नहीं है, लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे तो हमें वो समझ में आ जाएगा। तो वो हमेशा अपने प्रयासों में ही लगे रहते हैं। बुद्धिजीव होते हैं लेकिन यह विचार नहीं करते कि शायद दूसरे लोग भी प्रयास करके हमें कुछ प्रदान कर सकते हो। कहते विश्वास कैसे करें इसके ऊपर, जब तक हम स्वयं मेड इन इंडिया स्वयं ना बनाएंगे तब तक हम विश्वास नहीं रख सकते। हां, दूसरे ने बना लिया वो उसकी समझ है। तो ये तो मत जतो पत, जतो मत ततो पत, जैसा जिसका मत है उतने मार्ग अलग अलग है। तो ये आपका पथ है, आपको लगता है ऐसा सही है, आप मानो। ये मेरा पथ है, मुझे लगता है सही है, मैं मानता हूं। मैं भी आपका आपका पथ है, ये सही है, तो जतो मत ततो पथ। जिसकी जैसी जैसी धारणा है, सबकी धारणाएं सही है, आप अपनी धारणा में संतुष्ट रहिए, हम अपनी धारणा में संतुष्ट रहेंगे। तो उन्हें लगता है कि जहां तक आप अपनी धारणा में विकास कर सकते हो उतना सत्य को आप समझ लोगे। तो ये आरोही पंथी वापस अपने शक्ति पर, अपने समझ पर विश्वास रखते हैं। कुछ होते हैं, अन्य भी व्यक्ति होते हैं जो जिनकी समझ में आ जाती है, बात समझ में आती है कि हम उतना ही समझ पाएंगे जितना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे समझने की जो क्षेत्र है वो पहले से ही निर्धारित की गई है। मतलब यहां के तत्व जो हैं, यहां की व्यवस्था जो है वो पहले से निर्धारित की गई है। हम सूर्य को जितना अपनी बुद्धि से समझने का प्रयास करेंगे उतना समझ सकते हैं, लेकिन वो समझ, सूर्य की समझ हमारी समझ से स्थापित नहीं हुआ है, सूर्य पहले से ही प्रस्थापित है और हम अब उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ लोग अपने से परे एक व्यापक बुद्धिमान अस्तित्व का को स्वीकारते हैं कि एक अस्तित्व है, व्यापक अस्तित्व है, एक बहुत श्रेष्ठ अस्तित्व है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है या व्यक्तित्व है जिसकी जिससे यह स्थापना हुई। और हम सब क्योंकि अलग अलग मात्रा में प्रयास कर रहे हैं उसे समझने का, इसलिए वास्तव में हम सब एक ही तत्व के अंश हैं, और सब अगर मिल जाएंगे तो व्यापक तत्व बन जाएंगे। तो ये सब जो हैं ये भगवान बनने का प्रयास करते हैं, ये उनकी सीमाएं हैं। तो पहले सीमा, पहले जो गट थे वो थे सिर्फ भोगी व्यक्तियों का गट, बुद्धिमान होते हैं, अलग अलग प्रकार से भोग करते हैं। वो डोसा, पेपर डोसा, डोसा में उपमा, ये सब डालकर खाते रहते हैं अलग अलग।
तो 24 प्रकार के डोसा बनाना सीख जाएंगे वो। फिर डोसा के अंदर अगर किशमिश डाला तो कैसा लगता है, उसमें अगर मैंगो फ्लेवर डाला तो कैसा लगता है, ये सब करेंगे वो। तो आपके जितने शेफ हैं, आपके जितने डिज़ाइनर्स हैं आपके, अगर खाली उनकी वृत्ति है, आनंद करो, खाओ पियो मस्त रहो, ये कैटेगरी। उससे आगे उनको विचार करने की इच्छा ही नहीं है, ये उनकी सीमा। फिर दूसरे कैटेगरी वो होते हैं जो हम मानते हैं वही सही है, डोसा के अलावा मेरे को कुछ अच्छा ही नहीं लगता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। हम तो मानते ही नहीं वो चीज को, है ना। जैसे उत्तर भारतीय कहते हैं ये उपमा क्या है, गरीब लोगों का हलवा, शक्कर के लिए पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्षमता नहीं है, इसलिए नमक डाल देते हैं। सूजी में नमक डाल दिया, क्यों, गरीब है। अमीर कौन होता है, जो रवा में शक्कर डाले। और दक्षिण भारतीयों को समझाओ छोले राजमा तो बोलते सांबर चटनी, उत्तर भारत महाराष्ट्र में चटनी बोलो तुमको लगता है कि हाँ लाओ थोड़ा सा शेंगदाना लेकर आओ, थोड़ा सा मिर्ची लेकर आओ, कूटो उसको, है क्या चटनी। दक्षिण भारत में ये कैसा चटनी, अरे ये थोड़ा तरल होना चाहिए, थोड़ा भीगा होना चाहिए। महाराष्ट्र में बोलते वो क्यों चाहिए, भाकरी के साथ कैसे खाओगे उसमें। महाराष्ट्र में ऐसा हो जाता। तो सीमा, अपनी सीमा के अनुसार हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति, हमारा खान पान यही सही है, बाकी सब लोग अनपढ़ अज्ञानी है, अस्तित्व मानने के लिए तैयार नहीं किसी और अस्तित्व को, अपनी सोच। फिर तीसरी सोच है कि भाई सब कोई शांति शांति प्रिय लोग होते हैं, ये ऐसा उन्हें लगता है। ये तो मत तत्वपद, तुम्हें ये अच्छा लगता है इडली तो इडली खा, तुझे अच्छा लगता है डोसा तो डोसा खा, तुझे अच्छा लगता है समोसा तो समोसा खा। अरे खाने के बाद सब मस्त रहते हैं ना, बस तो खाने के बाद सब संतुष्ट। अब उसे नहीं पता कि डोसा खाने के बाद पेट में क्या उसके अलग तत्व बनते हैं, समोसा के अलग तत्व बनते हैं, ढकार अलग अलग आते हैं, उसे नहीं पता। वो उसे लगता है अब सबने खा लिया ना तो एक ही चीज हो गया, पेट में सब समा गया। नहीं, एक खट्टा ढकार होता है, एक थोड़ा सा कड़वा ढकार होता है, एक मीठा ढकार होता है, सबके ढकार अलग अलग होते हैं। लेकिन इतनी बुद्धि नहीं, उनको लगता है जतो मत तथो पत, जिसको जो खाना है खाओ, एक बार खा लिया तो संतुष्ट हो गए, पेट भर गया। वो भी जो है अल्पज्ञानी। फिर उससे बड़े, उससे अलग एक कैटेगरी होता है जो जानते हैं कि एक व्यापक बुद्धि है, एक विश्व श्रेष्ठ, मतलब जो विराट एक बुद्धि है, वो इस बात को मानते हैं, विराट बुद्धि कि पत्ता देखो, अलग अलग पत्तियां, हर एक की श्रृंखला, हर एक की बनावट अलग है, यहां तक कि मिट्टी का रंग अलग होता है हर एक। ऐसा नहीं कि हम कहीं पर जाकर लोहा अधिक डाल देते हैं, कहीं पर जाकर हम तांबा अधिक डाल देते हैं, हम कुछ नहीं किए, किसी ने पहले से मिश्रण किया हुआ ये तत्व। तो एक विराट बुद्धि, एक व्यापक बुद्धि के अस्तित्व को स्वीकारते हैं, लेकिन सोचते क्या है, वो बुद्धि कहीं दिखाई तो नहीं देती, ये बुद्धि क्षणिक प्रमाण में, छोटे छोटे प्रमाण में सब जगह दिखाई दे रहा, तो ये सब एक मिल जाएंगे तो व्यापक बुद्धि। एक समय ये व्यापक बुद्धि थी, फिर किसी प्रकार से सब अलग अलग हो गए, तो हम सब अगर मिल गए, सोचो मराठी, तमिल, कन्नड़ी, गुजराती, बिहारी, पहाड़ी, ये सब एक हो गए तो अखंड भारत। अखंड भारत में हम सब क्या है, भारतीय, लेकिन फिर भी तो कोई किसी को डोसा किसी को समोसा, भेद तो रहता है।
लेकिन अखंड भारत निर्माण करने में सोचते हैं कि भेद नहीं रहेगा। अब सबकी एक बुद्धि आ गई तो सब मिश्रण, मतलब सोचो डोसा में राजमा, फिर उसमें रसगुल्ला, ये सब मिला दिए तो सारे तत्व मिल जाएंगे, स्वाद पता नहीं क्या रहेगा। स्वाद में की चिंता मत करो, क्यों, निस्वाद निराकार तत्व तो पूरा है ना। रसगुल्ले का भी तत्व है उसमें, राजमे का भी उसमें तत्व है, उसकी शक्ति है, उसकी ऊर्जा है, सारे विटामिन सारे मिनरल सब आ गए, अखंड स्वरूप। लेकिन स्वाद उसमें कुछ खट्टा मीठा, स्वाद चिंता मत करो, बेस्वाद है वो। तो ये सब कैटेगरी है कि हम भगवान बन गए, ये भगवान का स्वरूप, उनकी भगवान की परिभाषा। तो सारे जितने भी विचारक हैं ये सब, इस सब के सब अपने बुद्धि के आधार पर, अपने समझ के आधार पर सत्य को स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए इन सबको कहा गया है आरोही पंथी। तो इसमें कुछ लोग जो हैं अपने आप को अल्प विचारक अल्पज्ञानी समझते हैं, और कुछ लोग जो हैं अपने आप को सर्वज्ञानी समझते हैं, संपूर्ण ज्ञानी। और एक अन्य विचारक होता है जिसकी सीमा यह होती है कि जो भी भगवान शास्त्र में समझाकर हमें देते हैं वही सत्य है, जो समझ में आया हमें उचित है, जो न समझ में आए, जो आज तक समझ में ना आए वह भी उचित है। यह उनकी सीमा, इनकी सीमा है भगवान से प्राप्त ज्ञान की मर्यादा, यह उनकी सीमा कि जहां तक भगवान हमें जो भी ज्ञान देते हैं कृपा देते हैं वह हमारे जीवन का सार है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य। अब इन्हें संपूर्ण ज्ञानी माना गया है इसलिए क्योंकि भगवान तत्व का अर्थ होता है जो सब चीज का स्रोत हो, जिसके परे कोई और तत्व नहीं है और जिसके अधीन सब कुछ अन्य तत्व आ जाता है, उसे भगवान कहते हैं। संपूर्ण ऐश्वर्य जिसके पास हो, हर प्रकार का ऐश्वर्य और पूर्ण मात्रा में, शण्णम भग इतिंगणा, उस व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। तो स्वयं भगवान का अस्तित्व भगवान ही समझाते हैं, भगवान का स्वरूप भगवान के चरित्र जो हैं भगवान ही हमें समझाते हैं। अर्जुन को भगवान ने ही अपने विराट रूप का दर्शन करवाया, अर्जुन जी अपने प्रयास से दर्शन नहीं कर पाए, चश्मा भी भगवान ने दिया देखने के लिए। अर्जुन को अपना आदि स्वरूप भी भगवान ने दर्शन करवाया, अर्जुन जी सोच रहे थे कि अरे ये तो मेरे सखा हैं मित्र हैं, फिर भगवान ने समझाया तुम्हारे सखा तुम्हारे मित्र भगवान भी हैं, तुम्हारा हर सखा हर मित्र जो है भगवान ही है। तब अर्जुन को समझ में आया कि ये भगवान है हमारे मित्र हैं हमारे सखा हैं। पहले यही लगता था हमारे मित्र हैं हमारे सखा, कभी आवश्यकता पड़े तो हमारी मदद के लिए आ जाते हैं और कभी इनकी आवश्यकता हो तो हम चले जाते हैं, यही लग रहा था सामान्य व्यवहार। उसके बाद पता चला कि अरे ये तो परम परमेश्वर भगवान है। तो भगवान ही अपनी समझ देते हैं,
स एवायम मया तिद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तों से मैं सखा चेत रहस्यम ये तदुत्तर। तो मेरे भक्तों ना अर्जुन, इसलिए मैं दे रहा हूं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न उठा, प्रभु अगर मैं आपका भक्त हूं इसलिए आप मुझे दे रहे हो न्याय, तो पहले क्यों नहीं दिया? ये कैसा मित्र है कि पहले मुझे अज्ञान में रहने दिया और अभी ज्ञान दे रहा? तो भगवान कहते नहीं नहीं नहीं, इसके पहले भी बहुत जन्म लिया है तुमने और मैंने, हर समय मैंने तुमको जब जब आवश्यकता पड़ी ज्ञान दिया। आवश्यकता पड़ी मतलब जब जब तुम भूल गए। तो मैं भूलता क्यों हूं भगवान प्रभु? क्योंकि तुम जन्म लेते हो, शरीर बदलते हो, मैं नहीं करता, इसलिए मैं कभी भूलता नहीं। तुम्हें भूलने की आदत हो जाती है, तो मैं शरीर क्यों बदलता हूं? अपने कामनाओं की वजह से। तो कैसे फिर इससे मुक्त हुआ जाए? मन को नियंत्रित करो। बड़ा असंभव लगता है, कठिन है, अभ्यास करोगे तो हो जाएगा। क्या इसके पूर्व मैंने अभ्यास किया था? बिल्कुल अभ्यास किया था। तो फिर कैसे वापस से भूल गया कि तुम्हारे पास वो स्वतंत्रता है? लेकिन क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, जब भी आवश्यकता पड़ेगी मैं तुम्हें ज्ञान देते रहूंगा। तो जीव का स्वभाव है कि वो भूल सकता है, भक्त का स्वभाव है कि वो भूलना नहीं चाहता। तो जो जीव भक्त बनता है वो प्रयास करता है नित्य भगवान के स्मरण करने का, इस क्योंकि वो भूलना नहीं चाहता भगवान को। और जो जीव भक्ति नहीं करना चाहता वो समय समय पर भूल जाता है। इसलिए मन भगवान में लगाना चाहिए ताकि हम भगवान को कभी भूले नहीं। अगर हम भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त रहते हैं, तो हमारे जीव होने की परिकाष्ठा को प्राप्त करते हैं, भगवान के अंश होने के नाते हम अपने सर्वोच्च चेतना को प्राप्त करते हैं जब हम भगवान की भक्ति करते हैं। किंतु हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छा कुछ और अगर हो जाए, यन्ने अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, अन्य कहीं मन चला जाए, तो भले ही उन्हें लगे कि वो मुक्त हैं, उन्हें लगे कि वो परम सिद्ध व्यक्ति हैं, तो यस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया, उनकी चेतना प्रदूषित हो चुकी है। किस भावना से प्रदूषित हो चुकी है? भक्ति नहीं करना चाहता। जो भी जीव भक्ति नहीं करना चाहता उसकी चेतना मलिन हो जाती है, जो जीव भक्ति करते रहना चाहता है वो हमेशा आनंद में रहता है। तो भक्ति का अर्थ क्या होता है? जहां पर नित्य कृष्ण के विषय में व्यक्ति चिंतन कर, चिंतन प्रेम के माध्यम से होना चाहिए,
ना कि कोई भौतिक लाभ, किसी धन प्राप्ति या प्रतिष्ठा प्राप्त करने के हेतु से चिंतन नहीं होना चाहिए, प्रेम का चिंतन होना चाहिए। और प्रेम का चिंतन कैसे करता है व्यक्ति? जब भगवान के चरित्र को, भगवान के स्वरूप को, भगवान के गुणों को समझ जाता है तब प्रेम होता है। तो अपने कल्पना से प्रेम करने का प्रयास मत कीजिए। अपने कल्पना के अनुसार प्रेम करेंगे तो आपको ये भ्रम हो जाएगा कि आप प्रेम कर रहे हो कृष्ण से। जितना आप कृष्ण का, कृष्ण के चरित्र का, कृष्ण के गुणों का, कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करोगे, अपने आप उनसे प्रेम हो जाएगा। उतना ही प्रेम होगा। कृष्ण तत्व का जितना हम श्रवण करेंगे, जितना उसके बारे में जानने की जिज्ञासा बढ़ेगी, उतना ही कृष्ण से प्रेम करने की उतना ही प्रमाण बढ़ते जाएगा। कृष्ण से प्रेम करने का प्रमाण बढ़ेगा। तो जिज्ञासा करनी चाहिए हमेशा कृष्ण के बारे में, और पढ़ने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए कि कृष्ण कितने सुंदर व्यक्ति हैं, कितना अद्भुत व्यक्ति हैं। और इतने सारे ऋषि मुनि हुए हैं, आचार्य हुए हैं, इतने सारे भगवान के लीला स्थली हैं। अगर संपूर्ण जीवन भी उसमें हम लगा दें समझने में कि कहाँ कहाँ भगवान ने लीलाएं की हैं, कितने ऋषि मुनियों ने भगवान का चरित्र वर्णन किया हुआ है, तो एक जीवन, कलयुग का एक जीवन कम पड़ जाता है। तो चिंतन का विषय बहुत है हमारे पास कृष्ण से संबंधित, कमी हमारी हो जाती है जहां पर हम अपने आप को ज्ञानी समझने लगते हैं कि हम जानते हैं, हमें समझ में आ गई बात। बहुत छोटा सा उदाहरण है, जैसे हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत की कक्षाएं होती, क्लास होते, तो हमेशा रीत यह है कि हम थोड़ा कीर्तन करके क्लास करते हैं। जहां पर भी आप जाएंगे वो, तो जो लोग यहाँ के वेटरन हो चुके हैं ना, क्या कहते हैं वेटरन को, वेटरन के लिए शब्द क्या है, आजीवन सदस्यता जिन्होंने ले ली है ना, उनको लगता है पहला कीर्तन जो है टाइम पास करने के लिए होता है। एक उदाहरण दे रहे हैं खाली, तो जय राधा माधव कीर्तन अजून वेळ, अभी तक क्लास शुरू नहीं हुआ। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो खाली इंट्रोडक्शन होता है क्लास में, 15 मिनट के बाद आएंगे तो एक्चुअल सार मिलेगा, तो 15 मिनट लेट आएंगे क्लास में, आदत बन जाती है उनकी। कोई बात नहीं, अगर आपको उस समय लगता है कि कुछ विशेष आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, आप थोड़े से बोर हो जाएंगे, तो उसके स्थान पर आप क्या ऐसा काम कर रहे हो जहां पर कृष्ण का स्मरण हो रहा है? क्या उसको आपने किसी दूसरे तत्व से, किसी दूसरे कार्य से रिप्लेस किया कि भाई ठीक है 8 बजे जो है जय राधा माधव, 8:15 को श्लोक हो जाएगा, 8:30 को जो है प्रवचन शुरू होगा, 9:15 एक्चुअल चीज जो है ना प्रवचन का सार दिया जाएगा, तो 9:15 क्लास में जाते, तो 8 से लेकर 9:15 तक आप कुछ और सार में मन लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो कि बैठकर आप कोई मंत्र पढ़ रहे हो, बैठकर आप कोई कृष्ण बुक पढ़ रहे हो, बैठकर आप कोई पुराण पढ़ रहे हो, या व्यर्थ समय निकाल दिया
कि ऐसे ही किसी से बातचीत, अरे टाइम है बैठो बैठो थोड़ा अपना ऐसे इधर उधर का डिस्कशन कर लेते हैं, या अखबार पढ़ लिया आपने या व्हाट्सएप पढ़ लिया आपने, तो लाभ क्या हुआ? तो जिनको भक्ति नहीं चाहिए वो साधारण जीव बन के रह जाते हैं, और जिनको भक्ति चाहिए उनको कृष्ण का प्रेम मिलता है। तो अगर आपके पास कोई और जरूरी काम नहीं है उस समय करने का, और कुछ लोग तो उससे भी ज्यादा बहुत बुद्धिमान होते हैं, आदत पड़ जाती है उसी समय बाकी जरूरी काम करने का और बाकी समय पर टाइम पास करने का, कि सवेरे उठकर माला करेंगे नहीं, माला कब करेंगे, 8 से लेकर 8:40 तक माला करना जरूरी है, जरूरी काम है। और 8 से 8:40 नहीं, तब तक तो खाली जय राधा माधव होता है, श्लोक होता है, तात्पर्य पढ़ते हैं, कोई इंटरेस्टिंग काम नहीं होता उस समय। तो यह है भ्रम, अंधकार में प्रतिबिंब प्रभुपाद कहते हैं। यहां पर प्रभुपाद बहुत सुंदर कह रहे हैं, समझा रहे, अंधकार में प्रतिबिंब, सत्य का प्रतिबिंब, अपना एक अलग सत्य हम बना लेते हैं और उसका प्रतिबिंब, उसका रिफ्लेक्शन देखने लगते हैं अंधकार में, और सोचते हैं यही सत्य है, यही सही है। और ये भावना कहां से जागृत होती है? ये भावना जागृत, इसे कहते हैं फेमिलियरिटी। हमें लगता है तात्पर्य, प्रभुपाद तो इतना तात्पर्य लिख चुके हैं, हम सब पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, तात्पर्य शब्द पढ़ लिए, बहुत सालों तक कभी कभी अध्ययन करते हुए भक्त की आदत हो जाती है अनुवाद पढ़ना, और जैसे शब्द देखते ना तात्पर्य परपोट स्किप स्किप कर लो उसको। क्यों? हमारे दिन का हमारा नियम है कि रोज कम से कम एक पूरा अध्याय पढ़ते हैं भागवत का शॉर्टकट में आज, क्योंकि बाकी काम है ना जरूरी, शादी में जाना है या किसी को हमको कहीं पर जाकर प्रवचन करना है, प्रचार करना है, मतलब गाड़ी में घूमने जाना है, ईंधन भरना, पेट्रोल भरने के नहीं, कोई और भरेगा पेट्रोल, तो अपनी चेतना में एक जगह प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि कुएं में से पानी निकालो तो कुएं में पानी भरने के लिए भी समय दो, तो भ्रांत भ्रांत धारणाएं उत्पन्न हो जाती हैं। एक ही कारण है उसका, यह भौतिक जगत जो है यहां पर स्वामी बनने की चेष्टा बहुत भीतर तक हमारी चेतना में बैठी हुई है कि हम स्वामी हैं, हम स्वतंत्र, हमें नियमावली पसंद नहीं आती, हम अपने स्वयं के नियम बनाना चाहते हैं। जैसे भागवत में बताया गया है कि गोपिकाएं ब्रह्मा जी से थोड़े से अप्रसन्न है, क्यों? वो कहते हैं कैसे शरीर का निर्माण किया आपने, आंखों पर आपने पलकों का निर्माण कर दिया, पलक झपकते हैं, जरूरी है आंखों के लिए, उसके उसे वो कभी सूखने नहीं चाहिए, हमारे नेत्र जो ना, जो चर्म है, जो चमड़ी है, वो कभी सूखनी नहीं चाहिए, वो अगर सूख जाएगी तो फिर हमारी दृष्टि कमजोर हो जाएगी, तो सूखे नहीं, इसलिए ब्रह्मा जी ने ये प्रयोजन किया है कि जब पलक झपकते हैं तो उनके दबाव से कुछ यहां पर ग्लैंड्स होते हैं जिसमें से गीलापन आ जाता है, तो उनको झपकना, जैसे पाइप होता है ना, पाइप में अगर पानी हो तो आप एक तरह से दबाएं तो पानी बाहर से सामने से निकल जाता है, तो वैसे ही यंत्रणा की है ब्रह्मा जी ने, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं ब्रह्मा जी।
अगर ऐसा ना हो, बंद खोलना वॉल्व एक्शन ना हो, तो हमेशा पानी गिरते रहे, फिर उसमें भी आदमी परेशान हो जाता है। ज्यादा आंसू जब गिरता है तो आदमी परेशान हो जाता है। तो वॉल्व एक्शन दिया ब्रह्मा जी ने कि बंद तो दब गया, खुला तो गीला हो गया, ये चमड़ी गीली हो जाती है। लेकिन गोपियां ब्रह्मा जी से अप्रसन्न है, बोलते हैं वो जो भी आपने बनाया वो ठीक है, लेकिन कुछ समय तक हमें कृष्ण का दर्शन नहीं होता, कुछ समय तक हमें कृष्ण का दर्शन नहीं होता। और हमारे कुछ भक्त हमारे नियमावली को कोसते हैं कि इतना दर्शन की क्या आवश्यकता है, कि सुबह 4:30 बजे उठना है, ये जरूरी क्यों है? कल हम देर से आए थे, थोड़े बीमार हो गए, तो किसने कहा देर से आओ, किसने कहा बीमार हो जाओ? कोई है यहां पर दुकान खुली हुई कि बीमार होने की यंत्रणाएं यहां पर आपको सेल में मिलेगी? अपनी गलती से, गलतियां कहां से उत्पन्न हुई? ज्यादा खाने की इच्छा हो गई। लेट क्यों सो रहे हो आप? कुछ अन्य पढ़ने की, कुछ गपशप करने की, या ऐसे ही टाइम पास करने की इच्छा हो गई, या जिस समय पर नहीं सोना चाहिए उस समय पर सोकर? तो सारी अपनी गलतियां करेंगे और कोसेंगे किसको? ये कहां का नियम है कि 4:30 बजे उठकर कोई भगवत धाम जाता है क्या? कम से कम 4:30 बजे आप उन लोगों से मिलते हो जो कृष्ण में मन लगाना चाहते हैं। 4:30 बजे और कोई नहीं उठता। आप 6 बजे उठो तो बाकी लोग भी उड़ जाते हैं। तो कम से कम 4:30 से 6 बजे के बीच में उठकर जप किया तो बाकी सोए हुए और वही जगह हैं जिनको कृष्ण से प्रेम करना है, तो कितना आसान हो गया। जब तक भीतर से हम नहीं हर दिन प्रयास करेंगे कृष्ण से प्रेम करने का, प्रेम अपने आप प्राप्त नहीं होता। और कृष्ण से दूर जाने का हमें कोई विशेष विचार नहीं करना पड़ता, वो अपने आदत से अपने आप हो जाती है। तो इस संग्राम बड़ा ही कठिन है। कृष्ण को भूलना बड़ा आसान, कृष्ण का स्मरण करना अत्यंत कठिन, जबकि होना चाहिए उल्टा। एक भक्त के लिए कृष्ण को भूलना अत्यंत कठिन हो जाता है। जैसे गोपिका एक बार ध्यान कर रही थी, नारद मुनि ने कहा, अरे आप लोग ध्यान कर रहे हो, क्या बात है, भजन कीर्तन बंद कर दिया आपने, ध्यान में लग गए? बोले हाँ ध्यान कर रहे नारद जी। क्या ध्यान कर रहे? किस चीज का? कि कृष्ण हमारे मन से निकल जाए। बड़ी परेशानी होती है, हमेशा स्मरण होता है, हमेशा सेवा करने की इच्छा होती है, और ये तो मथुरा चले गए वृंदावन छोड़कर, अब हम क्या करें? तो हमें बड़ी परेशानी हो रही है। अब हम ध्यान कर रहे हैं और ध्यान का हमारा उद्देश्य है कि कृष्ण हमारे मन से निकल जाए। नारद मुनि ने कहा, क्या सफल हुए? बोले ये तो परेशानी है, सफल ही नहीं हो रहे, हमें ध्यान भी ठीक से करने नहीं आता। और हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती ध्यान करने की, कृष्ण मन से निकल जाए। अरे मन से तब ना निकालेंगे जब आए हो, जब आए ही नहीं तो निकालने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि लाने का ही प्रयास नहीं करते हम। वो थोड़ा सा 2 सेकंड क्या प्रयास किया लगता है बहुत हो गया, चलो जाके थोड़ा सोते हैं अभी। आज बहुत मन से प्रयास किया, आज 2 घंटा ज्यादा आराम करना चाहिए।
कभी कभी गलती हो जाता है व्यक्ति से, कभी कभी बड़े ध्यान से व्यक्ति ना प्रवचन सुनता है, उसका अगले 4 दिन तक छुट्टी लेता है, 4 दिन का एक ही दिन में पूरा कोटा पूरा कर लिया। कभी मन में यह भावना नहीं आती है, एक दिन जब अच्छा हम साधना कर लेते हैं ना, भावना यह नहीं आती है कि भगवान ऐसी साधना कितनी, कितना इसका सुंदर अनुभव है, कल इससे ज्यादा प्रयास करेंगे, ये भावना नहीं आती। भावना क्या होती है, आज क्या मस्त था ना, बस अब 2 दिन में भगवान मिलने ही वाले हैं, मतलब आज इतनी अच्छी साधना कर ली ना मैंने, जितने भी प्रत्यक्षी होते हैं ना, जो प्रयास करते हैं, प्रयासी लोग होते हैं, जब तक उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता ना, जैसे ये नेशनल रिकॉर्ड, ओलंपिक रिकॉर्ड, ये सब तोड़ने वाले जो लोग होते हैं ना, अचानक एक दिन ऐसा होता तो कुछ कर देते, टूट जाता, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ती कहां चले गए, मतलब अगले रेस में आखिरी पोजिशन में आ रहे हैं, क्योंकि प्रयास करना ही छोड़ देते हैं। अब हो गया ना, नेशनल रिकॉर्ड बना लिए, अब क्या, कैसे बना है, गलती से 4 बार दौड़ लिए रेस, ये 4 बार कुछ गोला फेंक दिया, 1 बार तुक्का लग गया, गोल्ड मेडल मिल गया 1 बार, लेकिन जो उसके बाद भी प्रैक्टिस करते रहता है, फिर 1 सेंचुरी के बाद दूसरा सेंचुरी, दूसरे सेंचुरी, तीसरा सेंचुरी, तो या तो विराट कोहली या तो शिखर धवन, तो भक्त होता है विराट कोहली के तरह, 1 सेंचुरी मारने के बाद उसे पता है और 1 मारना लगाना, और जो बाकी लोग होते हैं वो शिखर धवन की तरह, 1 लगाने के बाद लगता है, 1 सेंचुरी मारने का तो सकता है साल भर का कोटा पूरा हो गया, अब कोई आवश्यकता नहीं, अगले साल जगता है, जब इतनी गाली पड़ती है और टीम में से निकलने की बात आती है तब वो जगता, और 1 मार देता हूं टीम में बना रहूंगा। तो ऐसे हमारी साधना होती है, 1 बार ना 16 माल अच्छे से होती है, फिर अगले साल ही ध्यान रखते हैं, बने रहना है तिलकधारी भक्त के कैटेगरी समाज में, बने रहना है, नाम टिकाना है, वोटर्स लिस्ट में नाम रहना चाहिए। और कुछ होते हैं ये प्रतिदिन प्रयास करते हैं, वो विद्वान होते हैं। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। बड़ा दुर्लभ महात्मा होता है वो, तो हमें किसी और के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, बस अपने बारे में चिंता करनी चाहिए, हमको महात्मा बनना है भाई, हमको दुरात्मा नहीं बनना है अब, बाकी कोई भी कुछ भी बोले, कितना भी बोले, हम जो हैं प्रयास करते रहें, दूसरों को भी प्रोत्साहित करें, ताकि 4:30 बजे अकेले ना रहें, बाकी भी कुछ हो हमारे साथ, सुबह सुबह शुभ विचार धारण करने वाले व्यक्ति, और एक दिन निश्चित रूप से कृष्ण हमें प्राप्त हो जाएंगे, यह आश्वासन स्वयं भगवान ने दिया है। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है? हाँ, इसमें है 5 पंच महाभूत, 5 धरती, जल, अग्नि, आकाश और खम, अंतरिक्ष, 3 है सूक्ष्म तत्व है मन बुद्धि अहंकार, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5
कर्म इंद्रियां पांच जो हैं इंद्रियों के विषय हैं, तन मात्र जो जिन्हें कहा गया है, और आखिरी है चेतना। हो गया 24। चौबीस तत्व तो हो गए, सबको मिल गए 24। पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञान इंद्रिया, पांच तन मात्र 15, पांच महाभूत 20, तीन सूक्ष्म तत्व 23, और एक चेतना 24। हो गए 24 तत्व। ठीक है, ये 24 तत्व जो हैं सूक्ष्म रूप में उपस्थित रहते हैं, और अलग अलग उनके मिश्रण से अलग अलग योनियां और अलग अलग लोक, 14 लोक निर्माण किए जाते हैं। और किसी के मन में कोई प्रश्न है? ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।